हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैरिज चैनल ईश्वर आहिर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल से आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लाखों में ट्रैफिक लेना नहीं, बल्कि आपके न्यू ब्लॉग और वेबसाइट पर स्टार्टिंग में गूगल से आप कैसे ट्रैफिक लेंगे वो बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको मेरी वेबसाइट का प्रूफ भी बताऊँगा कि वो सिर्फ एक मंथ ओल्ड है और उसमें अभी से ही गूगल से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। और मैं उसका पूरा आपको एनालिटिक्स से वो बताने वाला हूँ और कैसे मैंने ये किया है। और साथ में मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा जिन पर आप काम करके अपनी वेबसाइट में स्टार्टिंग से ही गूगल का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है वो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में। तो मैंने फ़िलहाल ही में यानी कि एक मंथ पहले एक वेबसाइट बनाई थी और जो मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई थी और उस पर अब भी एडसेंस अप्रूवल के लिए मैंने डाला है। लेकिन जो वेबसाइट है वो मैंने एडसेंस में एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी, लेकिन अभी उसमें ट्रैफिक आ रहा है गूगल से, वो भी पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं पूरा डेटा आपको दिखाऊंगा उस वेबसाइट का कि कैसे आप वो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उस तरीके की वेबसाइट में आप ट्रैफिक ले सकते हैं। क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम यही होता है कि अप्रूवल मिल जाने के बाद भी उनके पास ट्रैफिक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से ही ट्रैफिक लेना सिखाने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो था गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए, लेकिन साथ में मुझे अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है और यहाँ पर गूगल से ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट में भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहेगा तो आपको भी एडसेंस अप्रूवल है वो इजीली मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है वो यहाँ पर लास्ट में एडसेंस ही होता है और एडसेंस अप्रूवल लेना होता है और अप्रूवल के बाद वहाँ से अर्निंग करना होता है। तो उन सभी के लिए हमें ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे आप वो ट्रैफिक गेन करोगे अपनी वेबसाइट में। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं आप लोग कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां पर मेरी वेबसाइट देख लीजिए कि आप यहां पर देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट है ईश्वर आहिर.in। और इसको लगभग एक या डेढ़ मंथ ही हुआ मैंने इस डोमेन को परचेस करे हुए और मैंने इसको इस तरीके से एडिट किया हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक एजुकेशन और जॉब रिलेटेड वेबसाइट है और मैंने इसको पूरा एलिमेंटर से एडिट किया है और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पर बनाया है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसकी जो पोस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पर 39 पोस्ट है और एक भी पोस्ट मैंने खुद से नहीं लिखी है। सारी पोस्ट, सारा कंटेंट कॉपीड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोस्ट है वो एक जॉब वेबसाइट की थी। तो मैंने सारी की सारी जो पोस्ट है वो कॉपीड की है। अब मैं आपको इसका ट्रैफिक, रैंकिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो वेब मास्टर टूल में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मेरी साइट ऑफ थी तभी की ट्रैफिक है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जब मैंने साइट को लाइव किया और सारी की सारी चीज़ें यानी कि मैंने ये होम पेज अपना एडिट किया, उसमें थीम लगाई और कंटेंट सारा डाला, उसके बाद आप ट्रैफिक का यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। डेली जो ट्रैफिक था वो आना बढ़ गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन ट्रैफिक यहाँ पर 59 हुआ और उसके बाद वापस कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरी वेबसाइट है वो वापस यहाँ पर डाउन हो गई थी। तो फिर से मैंने उसको इनेबल किया है और अभी यहाँ पर इसकी जो ट्रैफिक है वो वापस से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सारी क्लिक्स है वो गूगल से आ रही है और वो ये जो पूरी ट्रैफिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट देख सकते हैं, इसके बीच में ही आई है। तो ये बहुत ही कम दिनों में ट्रैफिक आई है। तो ये ट्रैफिक कैसे आई वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इतनी जो क्लिक्स है वो सारी की सारी वेब मास्टर टूल में दिखा रहा है, यानी कि सारी की सारी जो ट्रैफिक
ठीक है वो ऑर्गेनिक है। अब तो मैं आपको यहाँ पर इसका एनालिटिक्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि इसकी पूरी ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जितनी भी सर्च आ रही है वो ऑर्गेनिक है और इसके जितने भी यूज़र है उसमें से सारे के सारे यहाँ पर ऑर्गेनिक आ रहा है। एक या दो ही जो ट्रैफिक है वो है डायरेक्ट आ रहा है, बाकी सारा जो ट्रैफिक है वो गूगल से आ रहा है। और साथ में मैंने दोस्तों इस वेबसाइट में इस तरीके से एडिट की है पोस्ट के, इसमें जितनी भी पोस्ट है उसमें मैंने इतनी इंटरलिंकिंग की है कि जो भी यूज़र आता है वो मेरी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाता ही जाता है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी एडिटिंग की है। तो इसमें मैंने अच्छी सी थीम लगाई है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैंने खुद से एडिट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक मैंने इस वेबसाइट को दिया है। और इस वेबसाइट को एडिट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रैफिक है वो पूरा ऑर्गेनिक आ रहा है। अब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए जाएंगे तो आपको तुरंत ही एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि एडसेंस है वो जो ट्रैफिक आपका अच्छा आ रहा है और कंटेंट यूनिक है तो आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस का अप्रूवल देता है। तो ऐसे में आपको ट्रैफिक का फ़ायदा होगा। वैसे जीरो ट्रैफिक पर भी मिल जाता है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट में तो आपको बेनिफिट रहेगा कि अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लिया आपने कि क्लिक सारे यहाँ पर आ रहे हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर आपने देखा कि वेबमास्टर टूल में सारे ट्रैफिक आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने ज़्यादा कीवर्ड है वो गूगल में रैंक कर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक मैच का ओवरव्यू कि मैंने कितने कीवर्ड है वो गूगल में रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 कीवर्ड है वो गूगल में रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 95 कीवर्ड है उसमें से 87 फिलहाल ही में लास्ट 13 डेज में वो है इंक्रीज हुए है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट पर पूरा यहाँ पर गूगल से ट्रैफिक आ रहा है। और गूगल से ट्रैफिक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो कंटेंट है वो पूरा डाला हुआ है, वो एकदम यहाँ पर ट्रैफिक लाने वाला कंटेंट है। मतलब कि जो कंटेंट है वो पूरा सर्चेबल कंटेंट है और जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे के सारे गूगल में बहुत ही ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरी टोटल क्लिक्स, एवरेज पोजिशन और यहाँ पर आप टोटल इंप्रेशन भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन जा रहे हैं मेरी वेबसाइट के। तो इससे मुझे और भी ट्रैफिक मिलने वाला है फ्यूचर में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस तरीके की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो पूरी कॉपी की है तो इसमें एडसेंस अप्रूवल शायद ना मिले, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा एड नेटवर्क यूज़ करता हूँ तो भी मुझे अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका होम पेज डिज़ाइन का वीडियो आपको ला कर दूँ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको टॉपिक चाहिए जो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है और मैंने ये जो कंटेंट है वो किस तरीके से कॉपी किया है जिससे कि मुझे उस वेबसाइट का ट्रैफिक भी मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आई होप यहाँ पर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है वो अगर आप न्यू ब्लॉगर है तो आपको ट्रैफिक लाने में और एडसेंस से अर्निंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।